पुलिस की गिरफ्त में आप जिस शख्स को देख रहे हैं ये वो हत्यारा है जिसने अपनी पत्नी और 5 साल की बेटी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक का नाम दीपक बताया जा रहा है जो नशे का आदी है। दिनांक 6 फरवरी को गांव बांगरोला में एक दीपक नाम का व्यक्ति रहता है जिसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी की चोटें मार दी थी और उन चोटों के कारण दौरान इलाज उनकी मृत्यु होगी, जिसके संबंध में हमने खिड़कीदौला पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके हत्या के आरोप में, और उसमें जो शामिल व्यक्ति था दीपक, जिसने नशे के पैसे ना मिलने के कारण और उसकी बीवी द्वारा उसको नशा करने से रोकने के कारण सिलबट्टे से अपनी मिसेज और अपनी बेटी को चोटें मारी थी और जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, उसको हमने गिरफ्तार किया है और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। आज उसको पुलिस रिमांड के बाद दोबारा कोर्ट में पेश किया गया है और इससे जो इसने हत्या के टाइम पे कपड़े पहन रखे थे जिन पे खून लगा हुआ था, हमने वो बरामद किए हैं और जिस सिलबट्टे से इसने चोट मार के उनकी हत्या की गई थी उनको, उसको भी हमने इससे बरामद किया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन SHO पंकज के नेतृत्व में, जो खिड़कीदौला पुलिस स्टेशन के SHO हैं उनके नेतृत्व में, उन्होंने बेहतरीन काम करते हुए इस मुकदमे को ट्रेस किया और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। DCP प्रीतपाल ने बताया कि इस युवक ने अपने 5 साल की मासूम बेटी और अपनी पत्नी को सिलबट्टा से वार कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी दीपक गुरुग्राम के भंगारोला गांव में किराए पर अपने परिवार के साथ रहता था और ये शराब का आदी था, जिसके चलते अक्सर अपनी पत्नी से पैसों की डिमांड करता था। आरोपी और उसकी पत्नी दोनों ही लेबर का काम करते थे और ये हर रोज अपनी पत्नी की पिटाई करता था। पैसों के लिए ही उसने अपनी पत्नी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी पति दीपक को गुरुग्राम पुलिस ने अब उसके काले कारनामों के चलते उसकी सही जगह यानी कि जेल पहुंचा दिया है, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब बेटी अपने बाप को और पत्नी अपने पति के साथ ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां और कैसे सुरक्षित रहेगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।